राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। आज मैं राजमा की रेसिपी एकदम सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, हमने 1 किलो राजमा लिया है और कुकर में बढ़िया से धो के, और 1 किलो राजमा में 2 लीटर पानी डाल रखा है। ये देखिए, एक पतीला हमने लिया है और इसमें 150 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, सरसों भी डाल सकते हैं। और उसमें 3-4 तेज़पात के पत्ते और 1 बड़ा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। इसको हम भून लेते हैं। इसी में हम डालते हैं 50 ग्राम से कम हरी मिर्च बारीक बारीक कटा हुआ, और आधा किलो प्याज बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। ये सारे को हम बढ़िया से भून लेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन कर देंगे इसको। ये राजमा की रेसिपी एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसमें इसको इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और कम खर्चे में बढ़िया बनेगा आपका, और खाने में उतना ही स्वादिष्ट होगा। और यहीं पर हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अगर हमारी ये राजमा की रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके पहले मैंने दाल मखनी माँ राजमा की दाल भी बना रखा हूँ, उसको बहुत सराहा है आप लोगों ने। तो इसके बाद मैंने सोचा कि आपको राजमा की एक रेसिपी और दे बना दूं। और देखिए, हमारा ये प्याज हरी मिर्च एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसी में हम 1 पाव टमाटर डालते हैं। देखिए, ग्रेवी आपको और बढ़िया बनाना है, इसी में स्वाद अनुसार नमक डाल दें, या 1.5 चम्मच, बड़ा 1.5 चम्मच नमक है ये। और यहीं पे 1 चम्मच लाल मिर्च हम डाल रहे हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा बढ़ा के भी डाल सकते हैं आप, और यहीं पे 1 चम्मच गरम मसाला। और इनको हम बढ़िया से मसालों को भून लेंगे। और उधर हमने कुकर में 3-4 सीटी लगवा के और राजमा को उबाल दिया है। राजमा एकदम उबाल दें इतना बढ़िया कि उंगलियों को दबाने के बाद दोनों एकदम बिल्कुल दब जाए, यानी कि बिल्कुल उबला होना चाहिए राजमा। तो राजमा को सीटी आप जब 3-4 सीटी मार कुकर में लगा देते हैं तो उसको चेक कर दें। और देखिए, हमारा राजमा, ये इसको मैंने पहले की जो राजमा को धोया था, धो के फिर उसके बाद 2 लीटर पानी डाल के और इसको 4 सीटी मरवाया था। ये देखिए, हमारा मसाला कितना बढ़िया पक चुका है। और इसी में हम राजमा डाल देते हैं। देखिए, राजमा इसी में हम डाल देते हैं। ये एकदम सिंपल तरीका है राजमे का, और ऐसे बनाएंगे तो ये हेल्दी भी सब्जी होगा। और आपको जैसा ग्रेवी और भी बढ़िया बनाना है तो इसमें आप थोड़ा काजू मगज 100 ग्राम पीस के और डाल सकते हैं। मक्खन से इसको फ्राई करिए, काजू और मगज डाल के इसका ग्रेवी तैयार कीजिए, और ऊपर से मलाई डालिए, अमूल का फ्रेश क्रीम। तो ये हाई फाई यही सब्जी हो जाती है। सेम प्रोसेस यही रहेगा, सामान में थोड़ा अदला बदली करना पड़ेगा। और देख लीजिए, यहीं पे हम धनिया पत्ता डालते हैं। और इसमें आपको ग्रेवी में पानी डालना है तो आप अपने हिसाब से डालिए। रोटी के साथ खाना है, चावल के साथ खाना है, तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम।